बात करवा मेरी। कुडल गांव के अंदर मौजूद हूँ, वही कुडल गांव जो कि काड़ू कुडल जो कि एक गौ सेवक हैं, उसका सही आदमी समझ के उस घर में रिश्ता जोड़ा था। फिलहाल मौका पर जो तस्वीर ली गई थी, देखो किस प्रकार का जो है गला घोट रखा है, ये देखो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये क्लियर आ गया है कि लाइलोन के कपड़े से बलपूर्वक गला घोट के उसकी हत्या की गई। नमस्कार, मैं हूं सुमित चुराना, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल कुडल गांव के अंदर मौजूद हूं, वही कुडल गांव जो कि काड़ू कुडल जो कि एक गौ सेवक हैं, उसका नाम तो जाना जाए कुडल गांव जो कि भिवानी के पास में है। फिलहाल एक ऐसा मामला आ गया है इस गांव के अंदर कि भाई हमने आना पड़ गया, एक माँ बेटी थी मतलब हाथ जोड़ के न ले जाया गया कि भाई दे दो हम घर बसा लेंगे। माँ बेटी थी हाथ जोड़ के न ले जाया गया कि भाई हम घर बसा लेंगे, लेकिन दिन एक के लग रहा था, अगला दिन उनका काम तमाम कर दिया, उनका कत्ल कर दिया। इस तरह का कुछ मामला सामने आया है। और ख़ास बात मैं बता देता हूँ कि भाई जो बेटी जो थी जो कि मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ माँ बेटी, जो बेटी जो थी वह अभी इस दुनिया में आई ही नहीं थी। वह बेटी जिसने अभी तक दुनिया में जन्म ही नहीं लिया था, और उसकी जो माँ थी जो है मोनिका नाम जो है उस लड़की का जो कि इस घर में इस घर की बेटी थी, और अपने ससुराल वाला ने उसका कत्ल कर दिया। फिलहाल सारा जो कि सरपंच साहब भी पास में मौजूद हैं, इनसे बातचीत कराएंगे। लेकिन प्रेग्नेंट थी 7 महीना की, और जो कत्ल कराया गया है वो 2 माँ बेटियाँ का कराया गया है, ना कि एक माँ माँ का कराया गया है, उसका मोनिका का कराया गया है। फिलहाल सभी मौजूद हैं यहाँ पर, उसके भाई भी मौजूद हैं, उसके और चाचा जी उसके सरपंच भी मौजूद हैं। इस साइड आ जाए भाई कैमरा में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। के कुछ कहना चाहो सर कि भाई जितना एक माँ और बेटी जो कि बेटी इस दुनिया में आई नहीं थी फिर भी उसका कत्ल कर दिया। दुर्भाग्य की बात है जी, हमने एक ऐसे सही आदमी समझ के उस घर में रिश्ता जोड़ा था, लेकिन 14 माह रिश्ता हुआ है। 14 माह में कम से कम भी उसको 10 बार टॉर्चर किया गया। अच्छा जी। 2-3 बार वो खुद अपनी जान बचा के यहाँ आई, फिर भी पंचायत आके फैसला हो के भाई दोबारा कुछ ऐसा नहीं करेंगे। अभी 19 तारीख को ही मैंने भी समझा बुझा के उसको साथ में भिजवाया था, वो लड़के ने कसम खाई थी कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊँगा। अच्छा जी। लेकिन उसके बाद एक दिन ही बीता था कि उसकी जो है ना गला दबा करके हत्या कर दी, और हमें सूचना दी गई कि बच्चे पेट में बच्चा है, उसकी तकलीफ होने की वजह से उस पहले तो बताया गया कि बच्चा ही एक्सपायर हुआ है। अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा भाई चलो भगवान की मर्जी, अगर बच्चा चला गया तो कोई आगे हो जाएंगे, आप मतलब लड़की की और लड़की की माँ की बात करा दो ताकि अपनी माँ को वो संतुष्ट कर दे। फिर मैंने कहा तो बोला लड़की तो बात किससे कराऊं, वो तो गुजर गई। मखा अभी आप 5 मिनट पहले कह रहे थे कि भाई सिर्फ बच्चा गुजरा है, अभी आप कह रहे हो तो कुछ दाल में काड़ा है, हम आ रहे हैं, उससे पहले कोई दाह संस्कार वगैरह की मत कर लेना। हमने कई आदमी गए मौके पे जाके देखा तो बिल्कुल गले पे साफ इस तरह के निशान थे। एक बार ऐसे भी डाउट हुआ भी कहीं फांसी तो नहीं लगाई है, लेकिन उसमें साफ नजर आ रहा था। वो इसमें तस्वीर भी आपने दिखावांगे एक बार, ये उसके भाई साहब भाई हैं ये उसके। हाँ ये लड़की के भाई हैं। एक बार भाई साहब आप इस साइड आ जाओ, आप इस साइड आ जाओ, मैं देखो। फिलहाल आप देख सको भाई या देख सको हो, फिलहाल मौका पर जो तस्वीर ली गई थी, देख सको किस प्रकार का जो है गला घोट रखा है, ये देखो गला के ऊपर निशान देखो किस प्रकार से पड़ रहे हैं। और मोनिका नाम की यह लड़की थी जो कि इसका जो पियर जो है वो फिलहाल पियर के अंदर यहाँ भी यहाँ की जो बेटी थी कुडल गांव की जो है बेटी थी, और आप देख सकते किस प्रकार से हत्या कर रखी है। और आप उसके भाई हो भाई। हाँ जी। के कुछ शुरू तक के वारदात हुई थी, किस तरीके से परेशान रहा, क्या कर दे? शुरू तो जी परेशान उनका ने जो उसका परेशानी का उनका मेन कारण था उसकी माँ और उसकी बहन, वो उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। अच्छा जी। हाँ, वो उसने टॉर्चर किया करते थे, उसकी बहन उसको मारती थी और कहती थी अगर अगर जोर से बोले तो इसके मुंह में कपड़ा ठूस दो, इसकी आवाज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और इसको कई बार 10-12-15 बार टॉर्चर किया गया है, 3 बार वो यहाँ भी आई है। अच्छा जी। हाँ, और अब की बार तो वो 1 महीने लगभग 25-26 दिन रुक के गई है यहाँ पे। 23 मई को आई थी, 19 जून को गई है। 19 जून को चाचा ने सरपंच जी ने और इन सब ने इकट्ठा होके ने बातचीत करके उनसे उन अपनी माफ़ी वाफ़ी मांग के बोले अगस्त से हम घर बसावांगे, लड़की को हाथ भी नहीं लगावांगे, अगर कोई बात होगी तो पहले आपको इन्फॉर्म करांगे फिर आगे देखांगे। किस तारीख ने लास्ट बार किस टाइम किस तारीख ने आई थी घर पर?
अभी लास्ट टाइम तो आई थी 23 मई को आई थी। अच्छा। और 19 जून को गई है लगभग 25 से 26 दिन। लगभग 25-26 दिन रुक। अच्छा, फिर बताया जा रहा है कि आत्मा का तीनों गिड़गिड़ा कि कहीं गए थे भाई ना मारती दे दो और हम सूती डाल रख लेंगे। हाँ, फिर भी लड़का तो नहीं कहा था ये बात, लेकिन लड़के का पिताजी कहा था ये बात। अच्छा जी। हाँ, कि हम घर बसावांगे, मैं सब ने समझाऊंगा, लेकिन एक के दिन निकला था। हाँ, एक ही दिन निकला बस। एक दिन निकल के ने अगले दिन अगली रात को तो ये सब कर दिया था उनने, और सुबह हमारे पास खबर करी 6 बजे। वीडियो वाडियो भी है जी जिसमें भाई लड़की कुछ कह दी हो? हाँ, एक पहले की वीडियो है जी, जब लड़की का मारी थी तब की वो। अच्छा। वीडियो कॉल पर बात हुई थी मेरी, तो वीडियो कॉल मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो भाई फिलहाल जो लड़की जो है जिसकी मोनिका नाम की जो लड़की है ये देखो आप, या जो वीडियो कॉल है ये देखो किस प्रकार तक रोन लग रही है। सीधा रहा कोई कहना और इस वीडियो में घर बसाने के लिए लड़की को ही थोड़ा जोर से बोला कि कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत चलती रहती है ऐसी। देख सकते किस प्रकार तक भाई जो लड़की है वहाँ रोन लग रही है, ये कहने लग रही के कुछ कहा भाई साहब आपको भाई घर के मार रहे हैं के? हाँ मार रहे हैं। वो कह रही है कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, मैं 10 मिनट आराम कर रही थी, लेकिन मेरे थप्पड़ मार के न और बेड से हाथ पकड़ के बेड से नीचे गिरा दिया था जब ये वीडियो कॉल आई। हर छोटी छोटी बात के लिए इस प्रकार से जो आप देख सको किस प्रकार टॉर्चर किया जा करता। मोनिका थी जो कि फिलहाल इस दुनिया में नहीं रही, और उसकी माता जी ने और बुला दिया जी कुछ अगर। अच्छा एक बात और है जी, कुछ दिन पहले यूँ बताने लग रहे हो भाई जिन अस्पताल में लेके गए थे अगर। हाँ, जिस दिन डेथ हुई वो उसको मारा है ना उससे उसी दिन मतलब दिन में लेके गए थे अस्पताल में। अब हम इसको पक्का नहीं कह सकते हैं कि ये बात थी, लेकिन हमें जहाँ तक डाउट है ये है कि उनको कहीं से ये पता चल गया कि इसका पेट में लड़की है और इसलिए उन्होंने उसी रात में उसको मार दिया हो। हो सकता है कारण ये हो सकता है, बाकी और टॉर्चर तो स्टार्टिंग से कर रहे थे, लेकिन इसका मारने का रीजन हम भी ये टॉर्चर वो जरूर करते थे, लेकिन हमें भी ये डाउट नहीं था कि भाई वो जान से भी मार देंगे, जान से मार। लेकिन हो सकता है उस दिन उन्होंने उसको चेकअप करवाया हो कहीं पे और उनको ये पता लग गया और इसलिए उसको मार दिया हो। अच्छा जी। फिलहाल अभी पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई करी, कौन सा थाना? पुलिस प्रशासन ने जी लोहारू थाना मामला है, उसके घरवाले को तो उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। बाकी उसका हस्बैंड का क्या नाम है जी? मुकेश नाम है। मुकेश नाम है। हाँ। और उसके जो सास आपकी मोनिका के सास ससुर हैं जो, उनको बाकी तीन मुजलिम और हैं, उनमें से अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, शायद आज या कल में उनकी भी गिरफ्तारी हो जाओगी। अच्छा, फिलहाल उसकी माता जी ने और बुला जाओ जी एक बार, क्योंकि भाई जो बेटी जो है जो लड़की जो है वो अपनी माता है ज़्यादा बात शेयर जरूर करा करें। कुछ माता को भी बताया होगा वो भी अपन दिखावा। फिलहाल गांव के कुछ मौजूद आदमी अपने साथ हैं और रिश्तेदारियां मत सभी आने लग रहे हैं, लेकिन एक माँ बेटी का कत्ल कर दिया गया है, एक ऐसी बेटी जिसने जन्म ही नहीं लिया था उसका भी कत्ल कर दिया गया है। फिलहाल जो है मामला लोहारू थाने के अंदर है, और जो मोनिका के जो हस्बैंड थे वो गिरफ्तार कर चुके हैं। फिलहाल उनकी माता जी हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे हम। आज उरे बस नमस्कार आंटी, उरे बैठ जाओ। आप ही पहला कदे नु बताया था जी एक भाई नु परेशान रखे हैं, किस तरह कुछ बात होया कर दी? होया कर दी बेटा। के कुछ कह कर दी नु कन दी मामा ने मारे मारा? फिर हम हाँ। बातचीत करी हम ने बातचीत करी जी नु लम तो कोई नहीं मारा वानी कन दी उसको मुंह पे नु ली मामा रे से। अच्छा, मुंह पे बोल दी? हां, मुंह पे बोल दी मारे। हां, कई बार काट दी थी करते दादी? दो बार काट दी थी। दो बार तो उन्होंने काट दी थी, एक और एक बार वैसे आ चुकी थी, और तीन बार वारदात ऐसे हुई है। एक बार तो मेरी माँ और मेरे बापू गए वहाँ पर, तो बीमारी है कभी पिलम गए थे, फिर इनका सामने ही लड़की का मारी है, और चार आदमी और भी थे वहाँ पर, एक मेरा साला था जो आज जीवंदा गवाह है इस चीज का, उसके सामने भी उसको मारी है। और बाद में फिर मैं और मेरा चाचा अभी गए थे 18 मई को हम गए, जब मारे दोनों का मेरा और मेरे चाचा का पिलम गए थे, मेरे बीमारी थी। अच्छा। और फिर 18 मई की रात को ही लड़की को मार के और सुबह 4 बजे 3:30 बजे घर से निकाल दिया था। 5 बजे घर न बढ़ दी थी, पानी आई से गिरावत रात ने पानी काट दी थी। हाँ, मार कुट की ना बोली तेरे भाई का मारी उसकी तो जाड़ दी छोटी, अरे बीच न मारो अरे या मार बोल रो है ना तो इसका मुंह में कपड़ो ठोक दो। अच्छा, इस तरीके का कौन का भैया बात है? ये उसकी सासू और उसकी ननद। अच्छा, तो तुमने पहला कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं कराई थाना थोड़ा? पहले हमने नहीं करवाई, पहले इसलिए नहीं करवाई कि हम तो नूचावा थे जैसे तैसे घर बसा रहे लड़की का घर बसा रहे, लेकिन वो घर बसाने वाली राह पर चल ही नहीं रहे थे।
कुछ इस तरीके की बात सामने आने लग रही, पेट में जो है लड़की थी तो उसके इस कारण तो मार दी हो भाई। बेटा दे अस्पताल में ले गया था न्यू उसी दिन अस्पताल में लेके गए थे। तो हमने शक है इस चीज का कि भाई उन्हें पता चल गया इस चीज का कि इसका पेट में लड़की है और हमने उसी रात में उसकी हत्या कर दी। बेरा किस तरह पाटा था दादी हमने मारी का? हाँ मारे को तो उनको फोन आया था। जब फोन आया था उन्हें क्या कही थी उन्हें? उन्हें न्यू कही न्यू बोले बालक की गड़बड़ हो गई न्यू नहीं बताई भाई मोनिका मार गई हमने। अच्छा जी उन्होंने सबके पास फोन करके यही कहा, मेरे पास भी फोन करके यही कहा, मैं गुड़गांव था मेरे पास भी फोन करके यही कहा कि बच्चे की दिक्कत होगी। फिर मैं बोला ठीक है बच्चे की दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने दूसरी जगह फोन करा कि ऐसे ऐसे कोई बात है, जिन्होंने बोला भाई उसने मेरे को बताया कि बात कुछ गड़बड़ है भाई, तर लड़की की दिक्कत है बच्चे की दिक्कत नहीं है तो तसल्ली करी इस चीज़ की। फिर मैंने उनके पास दोबारा फोन करा तो वो यही कह रहे थे कि बच्चे की दिक्कत है। फिर मैं बोला बच्चे की दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़की से बात करवा दो, मेरी बहन से बात करवा दो। वो बोले कि बात नहीं कर सकती वो इस हालत में नहीं है। तो जब उसने ये बात कही तो मैं उसको तुरंत ये बोला कि मैंने उसको गाली दे के बोला कि मार दी ना मेरी बहन। फिर वो कुछ नहीं बोला, बस वो ये बोला कि बस तमा जाओ, ये कह के उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने घर पर भी वैसे सबको पता चल गया था, चाचा सरपंच है उनको भी सबको पता चल गया था। फिर मैंने दोबारा फ़ोन करके इनको बताया और फिर ये चाचा जी और ये सब गए वहाँ पर, पुलिस बुलाई तो मौके पर जाके देखा तो बिल्कुल क्लियर था कि उन्होंने चुन्नी से उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। हाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है जी। क्या कुछ आया जी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये क्लियर आ गया है कि लाइलोन के कपड़े से बलपूर्वक गला घोट के उसकी हत्या की गई है। ये साफ साफ हाँ ये साफ साफ लिखा हुआ है जी। और उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँच गई थी? हाँ पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुँच गई थी और तुरंत उसको उसके घरवाले को तो गिरफ्तार कर लिया था उनके बयान व्यान लेके और बाकी आगे की कार्रवाई चल रही है। अभी चल रही है, अभी थाना में फिर बुलाया जी। हाँ थाना में जान आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से हमारी मांग ये है जी, हमने और कुछ नहीं चाहिए, हमने उन चारों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। जैसे मेरी बहन को उन्होंने मार दिया गला घोट के, ऐसे उन चारों को फांसी पर लटका हमने और कोई कुछ नहीं चाहिए, और हमने कुछ भी नहीं चाहिए। फांसी पर लटकाना चाहिए, फांसी पर न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल जो है भाई एक पहले हाथ पास जोड़ पहले भी तमने ऐसा कोई संदेह लगा था कि भाई इस तरह की हरकत कर सके है मार भी सके? ऐसा नहीं लगा था जी की जान से मार देंगे, ये लगा था कि मारा पिटी कर देंगे थप्पड़ चट्टू कर देंगे, लेकिन ये नहीं लगा था कि मार भी देंगे, ये नहीं पता था। और ये खुद उसके परिवार वाले लोग भी यही कह रहे हैं कि ये पता था भाई नीच आदमी है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतनी नीचता की अधिकार कर देंगे। इससे पहले भी उस लड़के की शादी की थी, उसके साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था और मारी थी। वो उसकी भी सोती हुई की नस काट दी थी हाथ की, बिजली का करंट लगा दिया था उसका, लेकिन वो तो उसका पिताजी अपने टाइम पर उसको संभाल लिया और उसने तलाक ले लिया था। नस काट दी थी। और ये मतलब स्टार्टिंग से इनका बिल्कुल क्रिमिनल माइंड है, इनने अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही किया था, अपनी बहन को भी इन्होंने बिल्कुल मार के छोड़ दिया था, तब भी ये 2 महीना जेल में रह के आए थे। अच्छा। तो इसलिए प्रशासन से यही वो है कि भाई ऐसे क्रिमिनल आदमी को कठोर से कठोर सजा दी जाए, बस कि वो दोबारा देखो भाई बेरा था इस बात का कि भाई मारी भाण के लिए नू कर ला रहे, लेकिन इनने भी एक नू सोची कि भाई इसकी, और मोनिका ने भी यह बात सोची कि भाई मैं घर क्यों ना बसा लूं, लेकिन घर बसाने खातर उनने भाई पाँ लगा दिए थे कि भाई वह एक दिन रखी थी, अगला दिन जो है सीधी गला घोट के मार दी थी।